नेक्स्ट मतलब जब आएगी वो छठियारी जिसको कहते हैं बड़ी काफी मजा आ गया एकदम, है ना। और कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि खुशी मेन मैटर करती है, खुशी है कि नहीं। मैन जो होता है परिवार में जो खुशहाल खुशी वही मैटर करती है, हम कितने भी कुछ कर ले वो ही नहीं होता है। बाकी दिखाएं तो लगता है किशन इनसे ज्यादा बड़ा है और किशन से ये छोटी है, ऐसा ही लग रहा है। तुमको तो नमक का देखो, नमक का डब्बा भी फाड़ने में इसको ना लगता है क्या, जो पैर में 4 इंच का ये दीवार लगाना। चलो 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 चलो, रुको 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 रुको, चलो अभी हम लोग बाहर निकल गए। चलो बेटा चलो चलो चलो, हाँ हाँ जी। कितना बड़ा कद्दू काट रही है और पता नहीं आज पैर वगैरह भी पूरा एकदम रंग के रखी है, क्या बात है जो पैर पूरा रंगी हो जी। मतलब कम ही चांस आता है ऐसा पल। तो दोस्तों लोग पहुंच गए अभी सिटी रामगढ़ में, तो सीट बेल्ट खोल लेते हैं। चांदनी तो पूरा सो गई आते आते, जब भी इसको लेके आते हैं ना पूरा दिन सो जाती है, जगह है ना गाड़ी उड़ी पार होने का। आ जाओ बेटा आ जाओ, देख ना चांदनी कैसे सो गई। रुक रुक रुक, थोड़ा सा लगाना तो। बाकी अभी शाम का समय है और खुशी आज सारी में है, तो आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताना कि खुशी सारी में कैसी लग रही है। हाँ, और शाम का टाइम है तो आप जानते हैं हम खाना बनाते हैं, तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। बाकी आप लोगों से कुछ बातें करने हैं जो आप लोग कमेंट करते थे हम लोग, क्योंकि एक वीडियो जो है ऊपर हम लोग बना चुके हैं, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है और सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग इस वीडियो के अंदर देखने मिलने वाला है। बाकी आप लोग कैसे हो कमेंट करके जरूर बताना, और लोग बने रहिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं किचन। बाकी अभी शाम का समय हो गया है, लगभग 7 बज रहे हैं शाम के, और खुशी आज सारी पहन के रखे थे क्योंकि सारे तो रिकमेंड कर रहे थे कि सारी पहन के एक दिन वीडियोज़ बना दे दी, तो हमने आप भी कह रहे थे बहुत दिन से तुम सारी पहन कब पहन के कम से कम वीडियोज़ बनाओ जब कब। बाकी शाम होने के बाद आपको पता है कि हमारा जो पेट होता है उनमें भूख लगने लगती है, और खुशी उसी का जुगाड़ अभी कर रही है। एक्चुअली कद्दू इधर देखो, कद्दू काट रही है आज। हाँ सिर्फ कद्दू है, सब्जी जल्दी बन भी जाता है। और पता नहीं आज पैर वगैरह भी पूरा एकदम रंग के रखी है, क्या बात है जो पैर पूरा रंगी हो जी। पैर क्यों रंगी है आज पूरा, आपको पता नहीं है बेटा मुझे हुआ है। हमको नहीं हुआ है, मतलब विजय भाई को हुआ है, ऐसा बात नहीं है, इसलिए कलर के देना क्योंकि पूजा वूजा मतलब होता है ना, कभी कभी कलर करना चाहिए, मम्मी लोग कहते थे, इसलिए हमको वैसे अच्छा लगता है। क्या आपको कैसा लगता है? हमको भी अच्छा ही लगता है। बाकी कद्दू का कैसे बनाओगी सब्जी, गीला करके या सूखा? कैसा बनाया? सूखा बनाओ। दिखाएं तो लगता है किशन इनसे ज़्यादा बड़ा है और किशन से ये छोटी है, ऐसा हाँ। ही लग रहा है। तुमको तो नमक का देखो, नमक का डब्बा भी फाड़ने में इसको ना लगता है क्या, जो पैर में 4 इंच का ये दीवार लगाना होगा, उसके बाद ये वहाँ तक पहुँच पाएगी। बाकी हम लोग नमक तो स्टॉक पहले से ही करके रखे हैं। एक देखिए यहाँ पे अभी स्टॉक है और एक इधर अभी है, मतलब दुनिया में कुछ हो या ना हो लेकिन नमक हमारे पास ज़रूर है, ताकि जो कि जल्दी को आप लोग देख सकते हैं। इसको पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं है, सिर्फ मोबाइल में लगी रहती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है तुम्हारा। हे रे गुगो, पढ़ने मन नहीं लगता है, क्या मार दी हो, देखे देखे कुछ थोड़ा बहुत हाँ। बाकी इधर भी खुशी, ये इधर हमारा ये चीज़ था, तो खुशी वो जो है कपड़ा रखने वाला, तो खुशी इसको ही सेट कर दी है अभी। हाँ ये हमारा एक ट्रैपोड है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, 200 रुपये का है, पर अच्छा है, बहुत सारा लोग दिया हुआ था। हाँ ये देखिए आप लोग कभी डांस इसका नहीं देखे है ना, ये देखिए डांस कर रही है, करके दिखाओ डांस करके दिखाओ अच्छे से। और दोस्तों हम घर आ चुके हैं हॉस्पिटल से, और देखिए हमारे हाथों में क्या है, गुब्बारा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गुब्बारा क्यों है, क्योंकि न्यू बेबी घर आने वाला दोस्तों, बहुत जल्द हम लोग को डिस्चार्ज मिलेगी हॉस्पिटल से, भी मिलाने में रिया जी और मम्मी जी वही है, और फाइनली हमारा मतलब प्रवेश मतलब जाएंगे नया इनको लेकर के नया बेबी को, तो सोचे कि बढ़िया तरह से घर को सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे खुशी में ना जी। तभी हम घर जाएंगे और रूम का बढ़िया तरह से हम सजा के आएंगे। तो अभी मार्केट जाएंगे, चांदनी भी जाएगी, बाय बाय। नहीं मुझे गुब्बारा खरीदने रे, सजाएंगे ना, डेकोरेट करेंगे रूम को, हम लोग घर को डेकोरेट करेंगे। चले हो गया, चलो 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 चलो, रुको 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 रुको, चलो अभी हम लोग बाहर निकल गए। चलो बेटा चलो चलो चलो,
हाँ कितना बड़ा मिलेंगे वहीं पे मिलेगा, वो रामगढ़ में मेन सिटी जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो फिर वहीं निकल रहे हैं, वहाँ ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। देख रहे हैं कितना खतरनाक चलता है, गलत चीज़ है ये, छोटे गाड़ियों को कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं है, बड़े बड़े गाड़ी सब, जैसे वो बस था ना, ऐसा लग रहा है कि कर देगा। तो पहले सामान ले लेंगे फिर घर जाएंगे, घर जाके अच्छे से डेकोरेट करेंगे, काफ़ी सुंदर सजाएंगे, क्योंकि ये पल तो दोबारा लाइफ में मतलब कम ही चांस आता है ऐसा पल। तो दोस्तों लोग पहुंच गए अभी सिटी रामगढ़ में, तो सीट बेल्ट खोल लेते हैं। चांदनी तो पूरा सो गई आते आते, जब भी इसको लेके आते हैं ना पूरा दिन सो जाती है, जगह है ना गाड़ी उड़ी पार होने का। आज बेटा आज ही देख रहे चांदनी कैसे सो गई, रुक 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 थोड़ा सा लगाना दे, लगाना दे लगाना दे लगाना दे लगाना दे लगाना दे लगाना दे। नेक्स्ट मतलब जब आएगी वो छठी आरती जिसको कहते हैं, बड़ी काफी मजा आएगा एकदम, है ना। और कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि खुशी मेन मैटर करती है, खुशी है कि नहीं, मेन जो होता है परिवार में जो खुशहाल खुशी वही मैटर करती है, हम कितने भी कुछ कर ले वो ही नहीं होता है, बाकी होगा कुछ दिन के बाद होगा, लगभग कुछ दिन आप समझ सकते हैं होगी, जब हम लोग आ जाएंगे हॉस्पिटल, जब रियाज तो हॉस्पिटल में ही है, आएंगे फिर सारा तैयारियां करेंगे, मजा आएगी एकदम, देखिएगा ना। तो चलिए आज की वीडियो लोग यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अगर आपके पास सेविंग होती है, आपके पास समय होता है, आपके पास खुशियाँ होती है, तो
मीन आप जाते हो कहीं भी तो आपको अच्छा लगता है, और हमारे पास इस तरह की कंडीशन है नहीं कि हम उनके पास सफर कर पाए, उन जर्नी में हम लोग जा पाए। बाकी कभी ऐसी हमारी अगर कोशिश रहेगी, हमारी कभी अगर ऐसी दिन आएगी तो हम लोग जरूर मिलेंगे एक दूसरे से, बाकी आप लोग से भी मिलेंगे। काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं हमें, चाहे हमारे पास जितने भी हमारी छोटी सी फैमिली है उसी में बहुत लोग हमें बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच मीना, हमें सही समय पर भी और गलत समय पर भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। सही बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अगर विजय रिया के जो ब्लॉग है अगर उनका देखते हैं, बाकी विजय रिया विजय भैया एंड रिया भाभी को बहुत बहुत बधाई और नए बच्चे घर में आए। आई मीन आपकी लाइफ बहुत ही चेंजेस हो, सब कुछ आपके भगवान आपके घर में अच्छे और भी खुशियाँ दें, हमारी यही गुजारिश है। और बच्चे बाकी उनके जो भी ब्लॉग देखते थे और आज अगर हमारे चैनल पे आए तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जिसे आप उनको सपोर्ट करते हो उसे थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। आई मीन हम अभी आप लोग के लिए बच्चे ही हैं आप लोग के सामने, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और चैनल पे हैं तो नए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और अगर हम लोग के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो हमारी जो पुरानी वीडियो है उनको वॉच कीजिए और हम लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए। बाकी हम लोग भी लव मैरिज कपल ही है और आप लोग सुने हैं कि हम